Give it to me, I'm worth it. This video is only for entertainment purpose. तो कान में earphone डाल लो क्योंकि इस वीडियो में बहुत गाली गलौज होने वाली है। क्या आपने भी कभी अपने टट्टे खुजाए हैं? क्या आपको भी अपने टट्टे खुजाने में प्रॉब्लम हुई है? तो फिकर की कोई बात नहीं, अब आ चुका है मार्केट में टट्टे खुजाने वाली मशीन। माशाल्लाह, जिससे आप 24/7 अपने टट्टे खुजा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आइए न्यू मार्केट में और लीजिए टट्टे खुजाने वाली मशीन C199 में। कुछ ज्यादा हो गया लगता है। माशाल्लाह, तो आप लोग को हिंट मिल गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सही समझे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फनी एड। मैं वो एड की बात कर रहा हूँ जिनमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दांतों में सड़न, हाँ। आपको चाहिए ये वाला टूथपेस्ट। Got it. What a shot. काश मेरी त्वचा भी ऐसी होती। तुम्हें चाहिए ये वाला क्रीम। टेलीविजन पे धुंधली तस्वीरें, तो ले आइए ये वाला टीवी जिसमें है पर्पल रे साउंड और मजबूत पिक्चर क्वालिटी। कमजोर दीवार, आपको चाहिए ये वाला सीमेंट। इसमें है 32 मेगापिक्सल। टेक 43। इस सीमेंट में है पहले टूथपेस्ट, दूसरी बार क्रीम, तीसरी बार टीवी, चौथी बार सीमेंट। आगे देखो। दांतों में सड़न, खामोश। इन सबको दीजिए ये वाला च्युइंग गम। सेंटर फ्रेश, जुबान पर रखे लगाम। ये मजाक हो रहा है? नहीं, ये मजाक हो रहा है? मारो, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है? एक च्युइंग गम के लिए इतना सारा बकेड़ा करने की क्या जरूरत? ये एड, अरे एड बनाने वालों, इतना सस्ता नशा क्यों करते हो? चलो दूसरा ऐड देखते हैं। क्या हो गया ये? क्यों मर गया तू? मत रो बेटा, मत रो। तो क्या करूं, आज मेरी पहली डेथ एनिवर्सरी है। फीलिंग्स आते हैं। अबे भोसड़ी के, मर गया तो कब्र में लेटना, इतना क्या है तेरे को? हाँ, एक साल से यहाँ लेटा हुआ हूँ, बीवी की याद सताती है। कोई बात नहीं, एक दो साल में वो भी आ जाएगी। रोते नहीं, मुझे देख। आपको तो एक्सपीरियंस है अंकल, मैं तो नया नया ही आया हूँ। अच्छा मुझे ऐसे नहीं रोते, चल मैं तुझे पिक्चर दिखा लाता हूँ। मेरे को तो ये ऐड में कोई लॉजिक नहीं लग रहा, और अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है ये ऐड में होने वाला क्या है और ये क्या चीज का ऐड है। चलो आगे देखते हैं। कौन सी भूत? एक मिनट, चल जल्दी चल, नहीं शॉट छूट जाएगा। चल, फिर मर गया साला। मैंने ये सीमेंट का ऐड देखा, फिर मेरे को भी मालूम चला कि भूत भी मरते हैं। छोड़ो ये सब छोड़ो, अब हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तान की ऐड। माशाल्लाह, मजा आएगा। एक सेकेंड, इसको शायद मैंने कहीं देखा है रे, याद नहीं आ रही है कहाँ देखा है मैंने इसको। शायद एनिमल प्लेनेट पे देखा है मैंने इसको। यहीं बैठ जाओ। ऐसे क्या देखता है बे?
बहुत गंदी नजर है तेरी, बहुत चढ़ी वाले। लोग भी सोच रहे हैं पॉलर बियर रोड के बीच में आके बीन मजा रहा है। अब वो लोग भी देख रहे हैं आश्चर्यचकित हो गए कि इस डिब्बा के अंदर से क्या निकलेगा। चलिए देखते हैं। क्या निकलेगा भाई साहब? हम तो आश्चर्यचकित हो गए। हम तो सोचा था सांप निकलेगा, लेकिन तो साला ये तो बर्गर निकाल दिया रे। जैसे पाकिस्तान के लोग वैसे ही पाकिस्तान के एड। जोनी एंड जुगनू का शामी बर्गर टेस्ट करोगे? हम भी टेस्ट करेंगे। मैं भी टेस्ट करेगा। हे 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 भोसड़ी वाला। ऐसा दिमाग पाकिस्तान के लोग के ही हो सकते हैं, और एड्स भी पाकिस्तान के ही है। जान किया जाए इन दोनों ने आपकी। ये साला पॉलर बियर फिर से कहां से आ गया है बे? बादशाही पॉलर बियर अपना तस्वीर फैला के महबूबा के साथ बैठे हैं, और आगे देखिए होता है क्या। इन दोनों ने आपकी संतरंग में विश करने की भूल की है। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, लेकिन अपने असूलों के गुलाम हैं। तुम्हें पता नहीं कि हमारी सल्तनत में इश्क करना जुर्म है। इनका सर कलम किया जाए। हमें माफ किया जाए शहजादा हुजूर, हमसे भूल हो गई। तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ लड़के। जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, मुझे महफिल रेस्टोरेंट की मुगलाई हांडी खिला दे। अबे चलते फिरते हराम खोर, अपनी जान की भीख मांग लेते। नहीं तेरे को रेस्टोरेंट का खाना ही खाना है ना। ये सबको देख के मुझे एक कहावत याद है, एक सुअर सुअर ही होता है। चाहे तुम सुअर को नहा के चिकचिका कर दो, या फिर सुअर को कीचड़ से निपा दो, तुम सुअर को कुत्ता नहीं कह सकते और कुत्ते को सुअर नहीं कह सकते। है कुछ लॉजिक नहीं ना? फिर रेस्टोरेंट की मुगलाई हांडी ये क्या है? लाला अधूर आवे मरबा खाए। टिंग देख रहे हो सख्त लौंडे की। माशाल्लाह खा के तो देखिए। हांडी इनको छोड़कर इसका सर कलम किया जाए। इतनी मजेदार मुगलाई हांडी तुमने पहले क्यों नहीं बताई? महफिल रेस्टोरेंट। महफिल रेस्टोरेंट। अबे पॉलर बियर के शकल के इंसान, तुम लोग कर क्या रहे हो पाकिस्तान वाले? नहीं कर क्या रहे हो, एड के नाम पे कुछ भी बना रहे हो। और एड पे तुम लोग ये पॉलर बियर को क्यों ले रहे हो भाई? मेरे को तो समझ नहीं आया भाई। तो भाई लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आता हूँ कराची से मोटे पॉलर बियर को अंटार्कटिका भेजने।